जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के नए एपिसोड में। फाइनली एक साल के बाद Xiaomi Pad 5 इंडिया में लॉन्च हो रहा है अप्रैल के 27 तारीख को। भाई रोना आ गया मेरे को, सही बता रहा हूँ। एक साल पहले लॉन्च हुआ था चाइना में, वीडियो भी बनाया था मैं, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखना। Xiaomi Pad 5 Pro नहीं लॉन्च होगा, Xiaomi Pad 5 ही लॉन्च होगा। और यकीन मानो Xiaomi Pad 5 और Pad 5 Pro दोनों सेम ही है, माइनर से चेंजेस है बस। और इन्फॉर्मेशन के लिए जाके वीडियो देखना, ठीक है। तो यारो, जैसा कि मैं आपको कहा था कि Realme वाले रुके हुए हैं OnePlus 10R के लिए, तो 28 तारीख को OnePlus 10R लॉन्च हो रहा है इंडिया में। 29 तारीख को माधव सेठ सर आ रहे हैं Realme GT Neo 3 के साथ। लेकिन आप लोग बोलोगे सुफियान भाई, आप तो कहे थे कि मई में लॉन्च होगा। देखो यारो, 29 तारीख को लॉन्च हो रहा है, लेकिन मई के पहले हफ्ते में इसका पहला सेल रहेगा। मैं कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं आपको। अब सेल आएगा तभी तो खरीदोगे, तभी तो आपके हाथ में आएगा, इसी वजह से मैं आपको कहा था। तो 29 तारीख को सुबह 12:30 बजे मिल जाना, ठीक है। और 150 वॉट के चार्जर वाला वेरिएंट ही लॉन्च होगा, 80 वॉट वाला लॉन्च नहीं होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। ओप्पो K10 5G और ओप्पो K10 Pro 5G, इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं। वैसे तो अप्रैल के 24 तारीख को लॉन्च हो ही रहे हैं, लेकिन रेंडर्स सारे देख लो, देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। और OnePlus की खुशबू भी इसमें से आ रही है, और साइड में थोड़ा Realme का भी थोड़ा सा खुशबू है मेरे को दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में Realme OnePlus इसको पक्का रीब्रांड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तीनों भाई भाई है, OnePlus, Realme और Oppo वाले, और जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं सब आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लो। स्पेसिफिकेशंस तो काफी अच्छे हैं। जब ये स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे किसी और नाम से तो प्राइसेस काफी हाई हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वैसे आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं स्मार्टफोन्स। मैं दोस्तों आपको कहा था ना, वीवो वाले फुल बीस्ट मोड में है, खचा खच अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है वीवो। दो दिन पहले की बात है, वीवो एक्स नोट, वीवो एक्स फोल्ड, वीवो पैड, अपने तीन नए प्रीमियम डिवाइसेस को लॉन्च किया वीवो। अनबॉक्सिंग्स और वीडियोस भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा। अब दोस्तों 25 अप्रैल को वीवो एक्स 80 सीरीज के स्मार्टफोन्स आने वाले हैं चाइना में। मेरे को लगता है दो ही फोन लॉन्च होंगे, वीवो एक्स 80 और एक्स 80 प्रो, क्योंकि यही दो फोन सामने आ रहे हैं बार बार पोस्टर्स में भी। एक्स 80 प्रो प्लस का कोई अता पता नहीं है, क्या पता छुपा रखा हो लॉन्च इवेंट में अचानक से दिखा दे, क्योंकि भाई वो अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइस है, दैट्स व्हाई। और भाई जितने भी लाइव इमेजेस हैं, ट्रेलर्स हैं, वो सब तो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। जिसका डर था वही हुआ भाई, जो डिजाइन है, जो कैमरा हाउसिंग है, Zeiss का ब्रांडिंग कैमरा हाउसिंग के अंदर में है, जो पेरिस्कोप लेंस है वो बाहर फेंक दिया गया कैमरा हाउसिंग से। भाई डिजाइन तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। मेरे को Vivo X Note का डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, Vivo X Fold का, लेकिन Vivo X 80 सीरीज के स्मार्टफोन्स का डिजाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप बताना आपको कैसा लग रहा है डिजाइन, और जितने भी रेंटर्स हैं सब को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। अब आई होप सो कि जल्द से जल्द ये इंडिया में भी आ जाए। मेरे को जहां तक पता चला है जून तक लग जाएगा इनको इंडिया में आते आते, आई होप सो कि मई तक आ जाए, लेकिन फिलहाल जून तक ही है, मई एंड नहीं तो जून तक। Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस का जो अपडेट है उसका नया रोड मैप आ चुका है, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। इन सारे Realme के डिवाइसेस में सबसे पहले आपको Realme Y 3.0 का अर्ली एक्सेस का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन अपडेट करने से पहले एक बार YouTube पे रिव्यूज चेक कर लेना, देन उसके बाद ही अपडेट करना। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, जब स्टेबल अपडेट आएगा तभी अपडेट करना यार, क्या जरूरत है अपने फोन के साथ उंगली करने का। जैसा कि मैं आपको कहा था, Realme Pad Mini बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तो आज ये Flipkart पे लिस्ट हो चुका है। मेरे को जहां तक लगता है 29 अप्रैल को ही लॉन्च होगा Realme GT Neo 3 के लॉन्च इवेंट में। वैसे Realme Pad Mini अभी 1-2 अप्रैल को ग्लोबली लॉन्च हुआ था, वीडियो बनाया था, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना, अच्छा पैड है। इंडिया में आपको 10,000 से 11,000 रुपए के आसपास तक दिखाई देगा। OnePlus Nord Buds, इनके ऑफिशियल पोस्टर्स और ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, देख लो। पोस्टर्स तो देख लिए होंगे, साइड में सारे स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दे रहा हूं। स्पेसिफिकेशंस तो काफी फाड़ू हैं, आई होप सो कि प्राइस भी काफी अग्रेसिव रखे OnePlus। वैसे आप बताना आपको क्या लगता है ये कौन से प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। जब सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स को खचाखच लॉन्च कर रहे हैं तो Samsung कैसे चुप रह सकता है। वो भी बोला हम भी 22 तारीख को आते हैं Samsung Galaxy M53 5G को लॉन्च करेंगे। वैसे ये फोन काफी अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस एकदम फालतू होगा। Samsung को तो आजकल जान रहे हो, Apple के नक्शे कदम पे चल रहा है, प्राइस एकदम हवा हवाई वाला रख रहा है। आई होप सो कि इसका प्राइस अग्रेसिव रखे, 25,000 रुपए तक भी रखेगा तो ठीक रहेगा, 30,000 रुपए तक ना भागे। वैसे आप बताना इसका क्या प्राइस होगा। मैं आपको फ्राइडे को ही कह दिया था कि Xiaomi CV सीरीज के अंदर में एक नया फोन लॉन्च होने वाला है, आज मेरा बात एग्जैक्टली कंफर्म हो गया। Xiaomi CV 1S ये 21 तारीख को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। और टेंशन मत लो, आपको और मेरे को इस स्मार्टफोन से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन चाइना एक्सक्लूसिव है, चाइना से ये बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको प्यार से इग्नोर मारो, इसको कोई भी रिब्रांड करके नहीं लेके आएगा, ये चाइना में ही रहेगा Xiaomi CV की तरह।
तो यार आज Realme वाले चुपके चुपके अपने Realme Q5i को लॉन्च कर दिए हैं, जिसका प्राइस है 14,700 रुपए। स्मार्टफोन एकदम फालतू है, आप इसको ओप्पो A57 5G कह सकते हो, क्योंकि उसी को रिब्रांड करके Realme Q5i बना के लॉन्च किया है। जितने भी स्पेसिफिकेशन है साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो। मेरे को समझ नहीं आ रहा Realme वाले इतना बेकार स्मार्टफोन क्यों लॉन्च करते हैं। आपके ऐसे ही सेम स्पेसिफिकेशन वाले फोन Realme ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं, और इतना बुरा टाइम आ गया कि ओप्पो के स्मार्टफोन को रिब्रांड करोगे। OnePlus तो लगा हुआ है, लेकिन आप भी लग गए भाई। OnePlus Nord CE 2 Lite इसका ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है, देख लो। जैसा कि मैं आपको करोड़ों साल से कहते हुए आ रहा हूं, Realme 9 Pro 5G जो है ना, वही इंडिया में OnePlus Nord CE 2 Lite के नाम से लॉन्च हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। और जो बंदे इसको खरीदने जाएंगे ना भाई, तरस आता है आप पे, सही बता रहा हूं। मत खरीदना इस फोन को, बस ऊपर से Realme का लोगो हटा के OnePlus का लोगो लग गया और कुछ भी नहीं, इसको मत खरीदना। अगर आपका बजट है 15,000-16,000 रुपए तक, तो जाओ पोको X4 Pro 5G को खरीदना, ज्यादा अच्छा वैल्यू मिलेगा। नहीं तो 20-21 तक पहुंच चुके हो तो Redmi Note 11 Pro Plus को खरीद लेना, वो आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू देगा। लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ना भाई, बेकार स्मार्टफोन है। बस खाली Realme के फोन को रिब्रांड कर दिया है और प्राइस भी इसका महंगा हुआ, क्योंकि भाई OnePlus का लोगो लग गया ना, इसी वजह से मत खरीदना इसको, अच्छा फोन नहीं है। Micromax के In2C के बारे में आपको बताया था मैं कि वो Geekbench में लिस्ट हो गया है, अप्रैल एंड तक आएगा, नहीं तो मई लग जाएगा इसको। तो आज कंफर्म हो गया है, मई के सेकंड वीक तक आ जाएगा इंडिया में। इसका प्राइस होगा 8,000 रुपए के आसपास, एंटी लेवल का स्मार्टफोन होगा। देखो यार, Micromax आपके 5G फोन का बहुत ही लंबे टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अपने एक 5G फोन को लॉन्च कर दो यार, अच्छा रहेगा, प्लीज कर दो। अब Moto E32 के रेंडर्स आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। आपको ऐसा दिखाई देगा भाई, मोटोरोला का घिसा पीटा हुआ डिजाइन है, बॉक्सी डिजाइन के साथ। वैसे स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे दे रहा है। Helio G85 के साथ आएगा, 50:8:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh बैटरी, 10W का चार्जर, और इसका जो प्राइस होगा वो 10,000 रुपए के आसपास होगा। अगर ये 10,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो गया ना यार, तो बहुत कड़ा कॉम्पिटिशन देगा भाई अपने ही Moto G22 को। टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का नया लिस्ट आ चुका है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। ये ग्लोबल लिस्ट है, अभी आपको पता चल जाएगा, मतलब कि करंटली कि भैया कौन से फोन्स अभी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं फ्लैगशिप कैटेगरी में। तो सारा लिस्ट आपको दिखा दिया हूँ, आप बताना आपको क्या लगता है इसमें से कौन सबसे बेस्ट होगा आपके हिसाब से। इंटरनेट यूजर्स इन दी होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं साल बाई साल, मतलब ईयर ऑन ईयर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो भाई। सबसे ज्यादा तो अभी करेंटली बढ़ चुके हैं यार, 5 बिलियन से भी ज्यादा हम लोग यूजर्स हो चुके हैं, और अगले साल और भी बढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 5G नेटवर्क इंडिया में भी आ जाएगा। और जितने जल्दी इंडिया में 5G नेटवर्क बढ़ेगा ना यार, वो एक तरह से रिकॉर्ड सेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जैसे 5G नेटवर्क आएगा ना, बहुत तेजी से वो एक्सपैंड होगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप सो कि योगी जी जल्दी से ले आए उत्तर प्रदेश में, तो मजा ही आ जाएगा यार। देखो यारो, वीवो ना अपना मल्टीवर्स क्रिएट कर चुका है। मल्टीवर्स के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, इसके बहुत सारे अनगिनत, इनफिनिटी मतलब कह सकते हो अनंत, जहां पर कुछ खत्म नहीं हो सकता, उतने सारे कॉपीज बने हुए, उनको कॉपीज हम लोग नहीं कह सकते, वो भी एक रियल वर्ल्ड है। मतलब कि सोच के देखो कि आप एक्टर बनना चाहते थे, तो आप एक्टर हो किसी और यूनिवर्स में, आप एक्टर हो। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, आप कोई और यूनिवर्स में क्रिकेटर हो, ठीक है। तो बहुत सारे रियलिटीज हैं जिसको मल्टीवर्स कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, iQOO Z6 Pro 5G को लेकर। iQOO Z6 Pro 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 27 तारीख को, लेकिन ये ग्लोबली लॉन्च होगा Vivo T1 या फिर T1X के नाम से। 24 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, ये मलेशिया में शायद लॉन्च हो रहा है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, ये जो iQOO Z6 Pro 5G है ना, ये 25 अप्रैल को Vivo S15e के नाम से लॉन्च होगा चाइना में। और एक और ट्विस्ट बताता हूं, iQOO Z6 Pro 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 778G मिल जाता ना, लेकिन जब ये स्मार्टफोन Vivo S15e बन के लॉन्च होगा, तो Exynos 1080 का प्रोसेसर मिल जाएगा। अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, जो iQOO Z6 Pro 5G है, वो इंडिया में Vivo T1 Pro 5G के नाम से लॉन्च होगा। तो देखें, एक ही फोन और अलग-अलग नाम। OnePlus Nord Watch, OnePlus Nord Smart Watch, ये डिले हो चुका है। अब आपको ये OnePlus Nord 3 के साथ लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा जुलाई तक। अब देखो यार, जो जुलाई में OnePlus Nord 3 लॉन्च हो रहा है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक रुपए नहीं है जेब में, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो फोन बहुत ही ज्यादा धांसू होगा। बस मुझे एक चीज का डर है, कहीं OnePlus उसको रिब्रांड ना कर दे Realme Oppo के फोन से। बस आई होप सो कि वो एक ऑल टुगेदर नया फोन हो OnePlus का खुद का, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई डर बहुत लग रहा है।
वैसे यारो वन प्लस बर्ड्स एन जिसको आप वन प्लस नॉट बर्ड्स भी कह सकते हो और वन प्लस क्लाउड सी टू नेक बैंड जिसको आप वन प्लस बुलेट वायलेट सी टू भी कह सकते हो, ये जो नेक बैंड्स और टी डब्ल्यू एस है ये 21 तारीख को वन प्लस एस के साथ लॉन्च हो जाएंगे। वैसे यारो कल मैं आपको 5 नए टी डब्ल्यू एस के बारे में बताया था जिन्हें आप 5,000 रुपए के अंदर में खरीद सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे टॉप कंपनीज का लिस्ट दिखा रहा हूं जो सबसे ज्यादा R&D में खर्चा करते हैं, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब देखो यार इसका मतलब क्या है, देखो यार जो कंपनी सबसे ज्यादा R&D में खर्चा करती है वो सबसे पहले नए टेक्नोलॉजी को लेके आती है। कोई भी सेक्टर की बात कर ले वो सबसे ज्यादा नया टेक्नोलॉजी को ही वही डेवलप करेगा। जैसे कि एप्पल को देख लो, सैमसंग को देख लो, सैमसंग तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव चीजें करता रहता है तो R&D में वो ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है। 5G नेटवर्क का स्पीड लिस्ट आ चुका है जो ग्लोबल लिस्ट है, देख लो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। भाई कितना ज्यादा स्पीड है यार, देख रहे हो टॉप के जो देश हैं वहां पर कितना ज्यादा स्पीड है 5G नेटवर्क का, देख के दिमाग घूम जा रहा है यार। आई होप सो कि इंडिया में भी ऐसे ही स्पीड अपने को मिले और एक दिन हम लोग भी इस लिस्ट में बहुत ही अच्छे पोजीशन में हो, और मैं चाहता हूं कि बहुत ही जल्द से जल्द ये हो जाए, काफी अच्छा रहेगा यार। अब देखते हैं यार इंडिया में कैसा 5G नेटवर्क का स्पीड होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ZTE X140 यानी कि ZTE के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आपको मई में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। देखो यार जो ZTE के X1 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो वर्ल्ड के पहले स्मार्टफोन्स थे जो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आए थे, और दिन ब दिन इसको इंप्रूव करते हुआ गया ZTE अपने अलग अलग सीरीज के साथ, जैसे कि ZTE X120, V30, लेकिन इस बार भी ZTE X140 सीरीज में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, सबसे लेटेस्ट। अब देखते हैं भाई इस बार ZTE क्या कमाल करता है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। Realme एक 5G टैबलेट के ऊपर काम कर रहा है, सोर्सेस की मानो तो उसका नाम हो सकता है Realme Pad 5G या फिर Realme Pad 2 5G, ऐसे करके कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी Realme Pad 5G अपन लोग कहेंगे। ये कब तक आपको दिखाई देगा, अगस्त तक आपको ये दिखाई देगा, कहीं भी इसका लॉन्च होगा, लेकिन इंडियन लॉन्च के बारे में अभी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। Moto G52 5G ये 25 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। यार 3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ था नेदरलैंड्स में, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा जाके क्लिक करके देखना, मस्त फोन यार। आई होप सो कि इंडिया में ये लॉन्च हो तो 15,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो तो मजा आ जाएगा। अगर ये 16-17 तक भाग गया तो कोई मतलब नहीं है, तब बेकार स्मार्टफोन है ये, जाके वीडियो देखो सब पता चलेगा। जियो एयरटेल वी ये तीनों वापस से अपने टैरिफ प्लान्स के प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं जून में। देखो यार अब बहुत ज्यादा हो गया यार, प्राइसेस इतने ज्यादा टैरिफ के हाई हो गए हैं कि मैं भी रिचार्ज करवाने से पहले 2 बार सोचता हूँ। एक वक्त था जब मैं 400 रुपए का रिचार्ज करवाता था, अभी 800 रुपए का हो गया यार, एकदम बजट से बाहर निकल रहा है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि अगर इस बार प्राइस बढ़ा ना तो मेरे को 2 महीने वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आप तो जानते हो यार मेरे तब कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वाईफाई सर्विसेज है ही नहीं, अगर वाईफाई सर्विसेज होते ना यार बहुत राहत मिल जाता मेरे को, पैसा इकट्ठा करने में ही बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता मेरे को, क्योंकि फैमिली तो पैसा नहीं देंगे ना इतना ज़्यादा कि भाई इंटरनेट पर रिचार्ज करवा लो, इसी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को तकलीफ होता है जब ये प्राइस इंक्रीज वाला बात आ जाता है। मैं सोचा था कि भाई चलो एक बार हो गया 2 बार हो गया अब नहीं इंक्रीज होगा, लेकिन यार अब तो हर बार का हो गया है। अब ये जून में इंक्रीज कर देंगे, फिर अगले साल फिर इंक्रीज कर देंगे, मतलब कि एक वक्त ऐसा होगा जहां पर हम लोगों को 1500-1600 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा यार। एक वक्त था बीच में जब जियो आया था 2016-17 में, तो कितने अच्छे दिन थे यार, वो इंक्रीज कर रहे हो पता है, लेकिन भाई अब बंद कर दो इंक्रीज करना, अब तो 5G नेटवर्क आने वाला यार, डेटा का इतना प्लान रखो कि एक बंदा यूज कर सके, ऐसे कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा, एक मिडिल क्लास इंसान और एक अपर मिडिल क्लास इंसान कैसे इतने सारे पैसे को मतलब कि रिचार्ज में उड़ाएगा जब बेस प्लान ही इतना महंगा हो गया है, थोड़ा सोच के देखो यार। वैसे आप इस फीलिंग से गुजर रहे हो कि नहीं गुजर रहे हो कमेंट करके बताना, मैं तो यार बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ जब प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। याद है दोस्तों मैं आपको बताया था व्हाट्सएप बीटा टेस्टिंग में एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है जिसमें आप लास्ट सीन जो आपका होता है ना कि आखिरी बार आप कब ऑनलाइन आए थे, वो जो लास्ट सीन है उसको आप सेलेक्ट कर पाओगे कॉन्टेक्स्ट में जाके कि किनको दिखाना है किनको नहीं दिखाना है। ये जो फीचर है अब व्हाट्सएप स्टेबल वर्जन पे रोल आउट करना चालू कर दिया है, जाओ प्ले स्टोर पे व्हाट्सएप को अपडेट करो आपको ये फीचर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है पता है, मतलब कि आप कॉन्टेक्स्ट में जाके सेलेक्ट कर पाओगे कि रिशु को दिखाना है, अमन को नहीं दिखाना है, मैं कब ऑनलाइन आया था, पप्पा जी को नहीं दिखाना कि कब ऑनलाइन आया था, और भी होते हैं ना भाई कि जो लास्ट सीन देख के भाई समझ जाता है ये ऑनलाइन था, तो ऐसे ऐसे लोगों से आप बच सकते हो आप। और यकीन मानो ये बहुत ही मस्त फीचर है, मैं तो उसका यूज करूंगा, मेरे को बहुत सारे लोग परेशान करते हैं तू 5 बजे तक ऑनलाइन था, भाई काम करता रहता हूँ मैं, सुबह 8 बजे जाकर सोता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, काम करता हूँ, बहुत सारा चीज होता है, मैं रात को नहीं सोता हूँ।
तो यारो क्या आप लोगों ने थॉर लव एंड थंडर का टीजर देख लिया है? अगर नहीं देखे हो तो जल्दी जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, देखो। अभी जस्ट रिलीज हुआ है 30 मिनट पहले, मैं अभी इसको देखा हूँ 7:30 बजे। भाई दिमाग एकदम घूम गया, क्या VFX है, अपना ब्रो थॉर वापस से मसल वाला थॉर बन गया है भाई। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जाके देखो। यूट्यूब शॉर्ट्स अब टैबलेट्स के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है और यूट्यूब के वेब वर्जन के लिए भी, तो जाओ यार शॉर्ट्स क्रिएट करो। वैसे आप मेरे चैनल सुफियान शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत ही तगड़े ऑसम मैं शॉर्ट्स क्रिएट करता हूं। नहीं चेकआउट किए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो जल्दी से। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.